जनाब आप ये देख सकते हैं हेलमेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ से कोई अच्छा सा हेलमेट देखते हैं, चेक करते हैं भाई। उसके हेलमेट के ऊपर पूरा उन्होंने वजन देख सकते हैं, उन्होंने लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम शज़ैब खान है, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शज़ैब खान। पर आज का व्लॉग ये है, आज मैं जा रहा हूँ कमेटी चौक और वहाँ से मैंने हेलमेट लेना है अपने लिए, क्योंकि तो शाम को चलाता हूँ फूड पांडा, शिफ्ट वगैरह लगाई हुई है मैं पांडा कंपनी के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे बैग भी है फूड पांडा का, ठीक है। और मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ सदर मेन जीपीओ चौक पे, ठीक है, वहाँ पे खड़ा हूँ। 70 बाइक है मेरे पास, इस 70 बाइक पे मैं जाऊँगा कमेटी चौक, वहाँ पे कोई अच्छे से हेलमेट वाली शॉप देखूँगा, वहाँ से मैंने जाके कोई अच्छा सा हेलमेट अपने लिए पसंद करना है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और ठंड भी है। ऐसा हेलमेट लेना है ताकि सर को हवा भी ना लगे और सेफ्टी भी हो, ताकि मेरा सर भी महफूज रह सके और धूल मिट्टी से भी बंदा बच जाता है। देख सकते हैं जैसे कि ये दो टोपी मैंने पहनी हुई है, फिर भी मुझे इसमें जो है ना हवा लगती है और सर्दी लगती है। मैं इस बार जीपीओ चौक में खा रहा हूँ, उस तरफ मेरा पहचान माल शॉप है मशहूर, और इस तरफ शान कमेटी फैमिली हॉल है। ये गाड़ियों के यहाँ पे रश वगैरह देख सकते हैं, ये सदर में खूबसूरत की तरफ रास्ता जाता है और ये रावलपिंडी स्टेशन रेलवे स्टेशन की तरफ भी रास्ता जाता है, और मेरे इस तरफ जो है क्या नाम है मेट्रो स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है। और ये मैं चौक में खड़ा हूँ और सीधा मुझे यहाँ से सीधा जाना है। ये आदमजी रोड है और आदमजी रोड पे यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सामने एक मस्जिद है, प्यारी सी मस्जिद है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ कश्मीर रोड पे, यहाँ पे गाड़ियों का मतलब काम शाम होता है, ठीक है। आपकी गाड़ी में सामान वगैरह भी मिल जाता है, टायर वगैरह सब कुछ जो भी होता है यहाँ से काम होता है इस कश्मीर रोड सदर। जी जनाब मैं अपने कमेटी चौक की तरफ जा रहा हूँ। आप अभी मेरी राइट साइड पे जो है कमरान मार्केट है इस तरफ, और मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। जी जनाब अभी मैं मरी रोड, मेरे बिल्कुल सामने है मरी रोड सदर, मरी हसन चौक है यहाँ पे, ये मरी हसन जो है मेट्रो बस स्टेशन है, और मैं मरी रोड पे पहुंच चुका हूँ। अभी यहाँ से मैंने लेफ्ट लेना है और तो जनाब अभी मैं मरी रोड से जा रहा हूँ, मेरे अगला जो मेट्रो स्टेशन है वो लियाकत बाग है, मेरे लेफ्ट साइड पे लियाकत बाग है ये वाला सारा, ठीक है। ये मेरी बाइक है भाई, इस बाइक पे मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से जो लेफ्ट साइड रास्ता जो जाता है वो राजा बाजार की तरफ रास्ता जाता है, और मुझे जाना है सीधा कमेटी चौक की तरफ। कमेटी चौक बिल्कुल मरी रोड पे सीधा आएगा। अभी मैं एक शॉप पर पहुंचा हूँ हेलमेट वाले के पास, यहाँ पे बहुत सारे हेलमेट लगे हुए हैं, इससे पता करता हूँ कि हेलमेट की क्या प्राइस है। अच्छा हेलमेट देखते हैं भाई, इस हेलमेट की क्या प्राइस है? ये आपको मिल जाएगा 9.5 का। 9.5 का बहुत महंगा हेलमेट लगाया है। ये हेलमेट कितने का है? 800 रुपये। ये 800 रुपये का हेलमेट है। अच्छा दूसरे हेलमेट नहीं है तो ब्लूटूथ जिसमें वो लग जाते हैं? ब्लूटूथ हाँ, वो नहीं, वो मंगवाना पड़ेगा। कहाँ से मंगवाओगे? ये है कि हेतर पड़े हुए हैं हमारे पास। कहाँ पे पड़े हैं? बाबा ही ब्लूटूथ वाला सदर सिंगापुर प्लाजा से मिलेगा। चलो यार थैंक यू। तो जी जनाब यहाँ पे मैंने हेलमेट पता किया, काफी महंगे बता रहा था, कहते हैं कि ब्लूटूथ सिर्फ आपको 2000-2500 का सिर्फ आपको हेलमेट के साथ ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा। चले अभी की चलते हैं, कोई ऐसा हेलमेट देते हैं ब्लूटूथ को क्या करना, कोई ऐसा हेलमेट मिल जाए। चले लेट्स गो किसी और शॉप से पता करते हैं। तो जनाब ये मेरे सामने कमेटी चौक है, ठीक है, राइट तरफ राहुल रोड जाता है और लेफ्ट तरफ राजा बाजार, यहाँ से भी एक रास्ता जाता है। ये भाई कमेटी चौक है। तो मैं अभी हेलमेट हाउस पे आके पहुंच चुका हूँ शॉप पे, ये हेलमेट हाउस है और यहाँ पे हेलमेट वगैरह देखते हैं, कोई हेलमेट पसंद करते हैं अपने लिए। यहाँ पे काफी ज्यादा हेलमेट लगे हुए हैं। तो जी जनाब ये बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है आप? शुरू कर। अच्छा कोई हेलमेट पसंद करने हैं, हेलमेट वगैरह थोड़ा सा बताएंगे आप? सर ये पड़े हैं, आप पसंद करें। अच्छा जी ये अनब्रेकेबल चीज़ है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीक होती है इसमें। अच्छा प्योर फाइबर में होता है ये, फाइबर का होता है, एबीएस प्लास्टिक होता है। अच्छा और ग्लासेस होती है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ये बटन है इसका ग्लासेस का, ठीक हो गया। और ये फ्लिप अप आगे से ये बंद हो जाता है। अच्छा ये बंद हो जाता है। और ये बटन लगा हुआ है, इसको दबाने से खुलेगा वरना वैसे नहीं खुलेगा। अच्छा इसको दबाने से खुलता है ये, वैसे नहीं खुलेगा। और ये वॉशेबल भी है, इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। अच्छा ये बीच में से उतर जाता है? जी पूरा उतर जाता है, आप वॉश कर सकते हैं। अच्छा ये वॉश कर सकते हैं, उतार के आप वॉश कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इसका तरीका कार, देखने एक दफ़ा ये देखें, ठीक है, ओपन हो गया। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है। अच्छा अच्छा उसके बाद ये चीज़ आ जाती है,
अच्छा ये सारा निकल जाता है। ये सारा निकल जाता है, इसका टेप लगी होती है जी जी। आप टेप को उतारो, टेप को उतारा, उसके बाद दोबारा फिर आप इसी तरह टेप लगानी है। इसको उतार के वाश किया, वाश किया, दोबारा से टेप लगा, इसी तरह टेप आपने एडजस्ट करना है, लगा के चेक करना है, ठीक है। इसी को दोबारा आपने इसमें ये देखिए ये बीच में डाल दिया जी, और ये फिर इसको बराबर किया बीच में डाल के। अच्छा ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ आ जाती है, ये आप नक्के देख रहे हैं, ठीक है। जब पीछे बैक करना है इसको अच्छी तरह बैठाना है आपने इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरह का हेलमेट लें तो ये चीज़ें बाहर निकल जाती हैं और आप गंदी हो जाती हैं, तो उसको आप निकाल के वाश करके दोबारा फिर उसी हेलमेट में इस तरह लगा सकते हैं। तो वो भाई ने मुझे सारा निकाल के बताया है, किस तरीके से उन्होंने सारा निकाला है वो बताया मुझे उन्होंने। अक्सर ये चीज़ ऊपर की तरफ रह जाती है। अच्छा ये चीज़ ऊपर, इसके जो नक्के होते हैं ये बराबर नहीं बैठते ना। अच्छा ये बराबर नहीं बैठते, अब ये बराबर हो गया है, अब इसको दबाऊंगा नीचे से, ठीक है, बैक साइड इसको नीचे करूँगा मजीद। तो ये इसके पैड हैं, ये देखें, ये ठीक है, ये देखिए एक पैड ये भी रहेगा। तो भाई इसकी एक मतलब क्या प्राइस है इसकी, ये जो आपने पकड़ा हुआ है? सर अभी जो अवेलेबल प्राइस है वो है 5000 रुपये। अच्छा ये 5000 रुपये का है। अक्सर लोग ये 5500 का भी बेच रहे हैं, दुकानदार 6000 का भी बेच रहे हैं। अच्छा 6500 का भी बता रहे हैं। अच्छा तो हमारे लिए क्या इसमें होगा डिस्काउंट? अगर ये आपकी ये वीडियो बना कर कोई आएगा हमारे वीडियो की तरफ से आएगा तो उनको इस तरह डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा जो हो सकेगा, जो मार्केट में ये रेट तो ऊपर नीचे हो रहे हैं अभी। अच्छा ठीक हो गया भाई, अगर आप मेरे रेफरेंस से मतलब आते हैं तो ये आपके साथ तामन करेंगे, जो भी हुआ आपके साथ मतलब डिस्काउंट वगैरह करके आपको हेलमेट दे सकते हैं। और सर इसमें हमारे पास चाइना की वैरायटीज आ जाती है, ये वाला ये चीज़ पड़ी। अच्छा ये चाइना की मार्केट है, ये देखें आप, ये इसके प्रिंट्स ऊपर ग्राफिक्स हैं इसके। अच्छा ठीक हो गया, और फुल ब्लैक शीशा लगा हुआ है इसको। अच्छा और दूसरा ये पैडिंग इसकी चेक करें, वॉश बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसके निकलती है इसके भी निकल जाती है। थर्मापोल बाहर निकालें जिस तरह उसकी मैंने निकाली, टेप लगी होती है। अच्छा इसकी क्या प्राइस है? इसकी 3500 रुपये। इसके 3500 रुपये है, ये 3500 रुपये इसकी प्राइस है। अच्छा इसके 3500 रुपये प्राइस है जी। और ये कलर इसमें सारे अवेलेबल है, ये देखिए ये कलर सारे अवेलेबल है। इसी चीज़ में एक छोटा साइज छोटा आ जाता है आईफोन के नाम से, ये चीज़ आ जाती है। पैडिंग चेक करें आप अंदर से, ये वेंटिलेशन है इसकी जी, वेंटिलेशन है या ऊपर भी वेंटिलेशन ऊपर भी है। और ये ग्लासेस है इसका, ग्लासेस है लाइट, ये डे नाइट वाला है, ठीक है डे और नाइट वाला है। ये जो दोनों तो इसकी क्या है? इसकी 3000 रुपये, इसकी 3000 रुपये है। इसके अलावा ये हमारे पास 2500 वाला आ जाते हैं। अच्छा ये 2500 वाला आ जाते हैं, इसकी क्वालिटी अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल है, और ये फ्लेक्सीबल भी है, और ये देखें ये रिमूवेबल है। अच्छा अच्छा, इसमें मार्केट में लोगों ने लोकल भी रखा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, ये वो चीज़ नहीं है, ये आपको यहाँ पे चेक करवा के टेस्ट करवा के फिर आगे चीज़ मिल जाएगी। और ये इसकी क्वालिटीज़ है, इसके ऊपर बेशक आप ये हम कपड़ा इसलिए रखते हैं इसके ऊपर तो खराशे ना पड़े, खराशे ना पड़े, और कंडे के ऊपर भी खड़े हो जाओ तो कंडे तो ये वजन देखें इसको दबाने से। भाई ये भाई इसके हेलमेट के ऊपर पूरा उन्होंने वजन देख सकते हैं, उन्होंने लगाया हुआ है और हेलमेट बिल्कुल एक्स्ट्रा वजन जा रहा है इसके ऊपर, एक्स्ट्रा वजन ऊपर से जोर से चल भी रहे हैं फिर भी जो है हेलमेट को कुछ भी नहीं हो रहा, और इतना ये मजबूत मूव हो जाती है इसे। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल फ्लेक्सीबल भी है और इन्होंने पूरा वजन अपना पूरा इसके ऊपर डाला है। इसमें साइज भी मिल जाते हैं, साइज भी मिल जाते हैं। इसमें एक ब्रिक पैडिंग वाला है। अच्छा इसमें आपको मैं और भी दिखा दूँ, इसमें मोटी पैडिंग वाला भी है, ये वाला, इसकी पैडिंग थोड़ी सी इससे बेहतर है। अच्छा इसकी बेहतर है, ये क्वालिटी इससे बेहतर है, ए प्लस में आ जाता है, वैसे वो बी में आता है, ये ए में आ जाता है। इसके बाद 3 भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 3 भी पड़ा हुआ है, 3 भी, 3 हम बहुत कम कस्टमर को दिखाते हैं, दिखाने के लिए रखा होता है। अच्छा सेल नहीं करते हैं वो। तो उसकी क्या प्राइस है जो आपने मुझे बताया? 2500 रुपये। और ये वाला? ये भी 2500 रुपये, ये भी 2500 रुपये। वो उसमें डिस्काउंट होगा, इसमें नहीं होगा। अच्छा मेरे लिए कोई, मेरे लिए कोई ऐसा वो जो 2500 वाला वो 2000 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा वो 2000 रुपये में, ये 2500 का फाइनल ही रहेगा इसमें, ठीक होगा, सही है। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हेलमेट लगे हुए हैं अभी यहाँ से। ये ना इन हेलमेट की मतलब कितनी रेंज है, क्या था क्या सब साफ है? ये देखें ये वॉल कंपनी है, इसमें डबल ग्लास है, डबल ग्लास है, और ये भी बटन लगा हुआ ग्लास का। अच्छा ये बटन लगा हुआ। अच्छा हम हर हेलमेट के आगे फ्रंट पे होता है, अक्सर होता है एक साइड पे होता है ना। अच्छा इसके दोनों साइड पे। अच्छा दोनों साइड पे है। इसके नक्के जो है दोनों साइडों पे है, दोनों से हाथों से यानी कि ऊपर कर सकते हैं, ऊपर कभी सीधे हाथ से कभी उल्टे हाथ से लेफ्ट राइट से लेफ्ट राइट से कर सकते हैं। और ये वॉशेबल भी है, वॉशेबल है, जैसे वो पहले आपने हेलमेट बताया उसी तरीके से सारा निकल सेम हो। ये डॉट सर्टिफाइड है। अच्छा डॉट सर्टिफाइड है, प्रूफ शुड है, यानी कि पीछे से कंपनी से अप्रूव करके होती है, ठीक हो गया। और ये इसकी पैडिंग है अंदर से। अच्छा अच्छा इसकी पैडिंग बहुत जबरदस्त है, ये कमाल की पैडिंग है। ये बटन सिस्टम लगा हुआ है इसकी पैडिंग का, ये देखो ठीक हो गया। और ये इसकी बैक से बटन है। अच्छा अच्छा इसकी क्या? ये 9500 रुपये, 9500 रुपये का है।
इसमें कम प्राइस में भी है थोड़ा सा, वो 8500 का है। अच्छा अच्छा, सेम कंपनी होगी वो भी, वो ऊपर लगे हैं। अच्छा ये इस तरफ, ये आपने जो ठीक है क्या बता देंगे भी आपने जो आपके लिए। अच्छा ये हेलमेट है जी, ये भी इसी तरीके से मतलब वॉशेबल है, निकाल के वॉशेबल कर सकते हैं जी। और इसमें वो लग जाते हैं कोई ब्लूटूथ वगैरह, ये लग जाती है, ब्लूटूथ लग जाती है, फिटिंग हो जाती है, ये फिटिंग इसकी इजीली बनी होती है। अच्छा इसकी बनी होती है, इसके अंदर बनी हुई है। थोड़ा सा आप ये देखें अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वो इसकी अपनी जगह खाली है। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्या कहते हैं यार वो ग्लासेस की तरह, हाँ ये वाला ये मैं पहन के चेक करूँ जी, करें आप ये वाला हेलमेट। ठीक है मेरे लिए, थोड़ा सा पहन के चेक करता हूँ कि ये कैसा लगता है। एक कैप उतार दी मैंने, दूसरी कैप लगाने लगा हूँ, ये हेलमेट लगाया मैंने। ये हमारे कस्टमर हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा ये इसके ग्लासेस हो गई, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करके नीचे कर लें तो इस तरह बंद हो जाता है, शीशा ओपन कर लिया। अगर आपको ज़्यादा गर्मी वगैरह लगती है तो आप कहते हैं कि इसको थोड़ा ऊपर कर लें, इस तरीके से इसको ऊपर कर लिया। और ये इसके और स्टाइलिश भी है माशाल्लाह, अच्छा भी है और काफ़ी मजबूत भी है, सर में फिक्स भी है, हिलता नहीं है इसमें, यानी कि आपका सिर सर जो है ना इसमें बिल्कुल फिक्स है। बहुत कर हेलमेट होते हैं आपका सर उसमें हिलता रहता है, हेलमेट ऐसे ऐसे होता रहता है, और ये एग्जैक्ट आपका बिल्कुल फिक्स है और अंदर से बिल्कुल नर्म है, आपके लिए मतलब कोई तकलीफ नहीं है ये। तो आप सब लोग भी अगर आपने हेलमेट लेना है तो हेलमेट हाउस है रावलपिंडी, रावलपिंडी कराटो जलेबी के साथ, आंडी कराटो जलेबी के साथ, क्या नाम है यहाँ पे तेली मल्ले वारस खान जी। हाँ तो यहाँ पे आप आके, मैं एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपने यहाँ पे आके हेलमेट इनसे ले लेना है अगर आपको पसंद हो तो। तो इनके हर किस्म के हेलमेट है, छोटे बड़े मतलब जो आपकी रेंज तक हो हर किस्म के आपको हेलमेट मिलेंगे, तो आप यहाँ से आके खरीद सकते हैं। तो अब भी दोस्तों मैंने ये वाला हेलमेट ले लिया अपने लिए, क्योंकि पांडा वगैरह चलाता हूँ, ये हेलमेट मेरे लिए फिट रहता है, गाँव भी जाता हूँ, लॉन्ग रूट पे चलता हूँ, तो काफ़ी ज़बरदस्त हेलमेट है, तो मैंने इस हेलमेट को पसंद किया है जी। जनाब ये इसके अंदर ये ग्लासेस हैं, ग्लासेस भी हैं, ठीक है, ये पुश होता है यहाँ से, यहाँ से ये पुश होता है, ये निकलता है, ठीक है, और ये नीचे हो जाता है, ठीक हो गया। और सर्टिफाइड है, लार्ज होता है, इसमें मीडियम साइज होता है। अच्छा लार्ज सर्टिफाइड है, यहाँ पे आपको मार्केट से सबसे सस्ता यहाँ पे हेलमेट मिलेगा, बहुत से रेट है। अगर आपको दो तीन या कार्टन चाहिए तो ये 9500 रुपये का रेफरेंस से आएगा तो इंशाल्लाह सस्ता कर देंगे। अच्छा कोई मेरे रेफरेंस से आता है तो उसको आप ये सस्ता कर देंगे, काफ़ी उसको होलसेल रेट में मिलेगा, होलसेल रेट में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वो लग जाती है, चेंज हो जाता है, वॉशेबल होते हैं, वॉशेबल होते जाते हैं, ठीक है, आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं, वॉश करके फिर लगा सकते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे कोई स्पीकर वगैरह लगाने हो तो लग जाएंगे, इस पे ब्लूटूथ भी लग जाता है, ब्लूटूथ वगैरह लगाना हो जी, कैमरा भी लग जाता है सब। अच्छा ये फाइनल कितने का करेंगे हमारे साथ? आपके साथ 8500 का फाइनल कर लेंगे, 8500 रुपए का, और इससे कम नहीं करेंगे। सुपर एयर में जकाई भी होता है, विक्टर भी होता है, इसी कंपनी के एक ही कंपनी में बनते हैं ये। जनाब इन्होंने मुझे फाइनल इसका रेट बता दिया है 8500 रुपए का, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, तो मैं आज इसे कोई परचेज करता हूँ। इस तरफ भी हेलमेट है और इस तरफ भी हेलमेट है। ये हेलमेट कितने का है? ये है 3500 रुपए। 3500 रुपए। ये सुजुकी ये कितने का है? जी सर ये मिल जाएगा आपको 6000 रुपए का। 6000 रुपए का, ठीक हो गया। कार्टन लेना तो रहता हो जाए। कार्टन कितने में होता है? कार्टन आपको 5500 रुपए का। 5500 रुपए का। अगर मतलब अगर कोई मतलब देखता है इस तरह की हेलमेट वीडियो देख लेता है तो अगर उसे शॉप पे आना हो तो वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, क्या करेगा आपको? हेलमेट हाउस रावलपिंडी के नाम से, ठीक है, मेरा चैनल अभी लॉग है, उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं हेलमेट हाउस रावलपिंडी। हेलमेट हाउस रावलपिंडी के नाम से आपका चैनल है। लोकेशन डालनी है तो लोकेशन डाल के भी आ सकते हैं वारिस खान रावलपिंडी में, दी ग्राटो जलेबी के साथ। जी ग्राटो जलेबी के साथ है। जी जी वारिस खान मरी रोड पे, मरी रोड। आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं हेलमेट हाउस रावलपिंडी के साथ। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। अगर कोई मतलब मेरे चैनल का हवाला देके आता है आपको उसके साथ अच्छे इंशाल्लाह जी चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू दोस्तों, उन्होंने अपना एड्रेस भी दे दिया है, इनके चैनल का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई इस तरह का हेलमेट पसंद आता है, आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आके ले सकते हैं, आपके साथ मतलब एक डिस्काउंट रेट पर आपको तावन करके अच्छा हेलमेट आपको मुहैया करेंगे। तो चलें आज जो है अपना इस ब्लॉग का अख्ताम करता हूँ, अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।